अस्सलाम वालेकुम ग्रेट साइमन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारा वही चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। ओके, जैसा कि हमारा लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, अब पहला लॉन्ग आंसर मैं आपको करवा रहा हूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट द मदरबोर्ड। इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 6, जैसे मैंने लिखा हुआ है, व्हाट डू यू नो अबाउट द मदरबोर्ड, क्या आप मदरबोर्ड को जानते हो। ठीक है, इसका पेज नंबर 6 ओपन कर लें आप लोग। ओके, देखिए मैंने पेज नंबर 6 ओपन किए हैं। ओके, ये मदरबोर्ड की आपकी हेडिंग हो गई। ठीक है, ब्लैक मार्कल से या जिससे भी आप कर रहे हो, ब्लू पॉइंटर ब्लू मार्कल से काम कर रहे हो, सो आप लोगों ने मदरबोर्ड क्या चीज़ है ये देखें। मदरबोर्ड एक ऐसी चीज़ है जैसे कि अल्लाह पाक ने हमें ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम से पैदा किया है, और मुख्तलिफ जगहों को हमें अल्लाह पाक ने डांपा हुआ और हर जगह के कनेक्शन अलग अलग किए हुए हैं। ऐसे ही एक ऐसा मदरबोर्ड है जो एक एक डिब्बे की शक्ल में पड़ा हुआ है। ठीक है ना, और इस पर डिफरेंट कनेक्टर्स, रैम्स, ठीक है ना, ये सब कुछ इसमें मौजूद है, स्लॉट्स मौजूद हैं। ठीक है ना, तो ये सारा एक ये प्रोसीजर बना बन के ये मदरबोर्ड कहलाएगा। ओके, जब तक ये हमारे सिस्टम यूनिट में नहीं होगा, तो जैसे कि हमारी बॉडी में दिल नहीं हो, हार्ड ना हो, तो तब तक इंसान बेकार है, जो मर्जी बने। तो यही एक ऐसी चीज़ मदरबोर्ड है, जब तक आपके सिस्टम यूनिट में इस सिस्टम यूनिट में ये चीज़ ना हो, तो सिस्टम आपका नहीं चलेगा, बेकार है, फालतू है। ठीक है ना, और मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों ने वो आपको मैं इसकी एक वीडियो भी सेंड करूँगा यूट्यूब पे। ओके, द मदरबोर्ड इज़ अ सर्किट बोर्ड डैट होल्ड्स द मेन इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ देयर कंप्यूटर टुगेदर। मदरबोर्ड के वो ऐसे आलात, इलेक्ट्रॉनिक आलात जो आपस में जुड़े होते हैं और कंप्यूटर के साथ होते हैं। द मदरबोर्ड इज प्लेस वर्टिकल विच इज़ क्वाइट कॉमन। वन साइड ऑफ द मदरबोर्ड इज असेंबल फ्रॉम द बैक ऑफ द कंप्यूटर केस। कंप्यूटर केस के बैक साइड पे असेंबल्स जो ये हमें दी हुई हैं, ठीक है, बैक साइड की तरफ कर दी है, और ये अंदर की तरफ इन है, ये आउट है, ये असेंबल्स हमारे आगे। ठीक है, दिस इंक्लूड्स द वेरियस कनेक्टर्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एज और वेल एज एक्सपेंशन स्लॉट्स फॉर एडिशनल पेरिफेरल्स। यहाँ तक आपने निशान लगाना। ठीक है, इसमें हमारे कुछ इनपुट भी आ जाते हैं जिनको हम छू सकते हैं, आउटपुट भी आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे कनेक्टर स्लॉट्स हैं। ठीक है, ओके, द मदरबोर्ड ऑल्सो कंटेन्स अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक अहम काम अदा करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, प्रोसेसर का अदा करता है, ब्रेन का। द कंप्यूटर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी एज अ लार्ज फैन इज़ ऑफ्टन प्लेस ऑन टॉप ऑफ CPU टू अवॉइड ओवर हीटिंग। जैसे हमें गर्मी लगती है, हीटिंग लगती है, हम अपने आप को रिलैक्सेशन रखने के लिए फ़ैन ऑन करते हैं, ऐसे ही इस CPU सिस्टम यूनिट को, जैसे कि CPU को ठंडा रखने के लिए एक यहाँ फ़ैन कनेक्टर ऑन दिया गया होता है। ठीक है, यहाँ इधर स्पेस नहीं, ये जो से सर्कल्स नज़र आ रहे हैं इसमें एक दिया गया था। ठीक है, वो इसको गर्म नहीं होने देता। ठीक है ना, द मदरबोर्ड ऑल्सो कंटेन्स द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। हम इसे मेन मेमोरी कंप्यूटर भी मदरबोर्ड हम कह सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है ना, अब मदरबोर्ड जो है वो करता क्या है वो आगे देखें। 3 कंपोनेंट्स यहाँ से भी निशान लगा लें। ओके, ये देखें ना, आपने यहाँ से लेके पहले यहाँ तक करना है। ओके, मदरबोर्ड की यहाँ तक, और जब आपने इसके 3 मेजर कॉर्ड्स, साउंड कॉर्ड डैट ऑपरेट्स द, जैसे कि अल्लाह पाक ने हमें एक नवाजा हुआ जिसम से, तो उसका ऑर्गन सिस्टम एक हमारा कान है। ठीक है ना, कान है जिसे हम सुनते हैं, ऐसे ही हमारा एक मदरबोर्ड है। इधर हमने अपना साउंड कॉर्ड फिक्स किया होता है, वो फिर चलाता है, जो हम जो उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हदायत देते हैं, वो उसको फिर चलाता है। डैट ऑपरेट्स द साउंड द वीडियो कार्ड उसमें लगाया, मदरबोर्ड में कनेक्ट होता है। डैट हैंडल्स द ग्राफिक्स, वीडियो कार्ड क्लिप डलता है। ठीक है ना, इस मदरबोर्ड में, इस स्लॉट्स में, ये स्लॉट्स बनी हुई हैं, इस स्लॉट्स में जैसे कि लगता है तो फिर वो आगे से हमें चीज़ दिखाता है। द ग्राफिक यू सी ऑन द मोनीटर, जो मोनीटर है हमारा, ठीक है ना, एंड द नेटवर्क कॉर्ड विच अलाउज कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स। यहाँ तक ही हमारा ये होगा। ओके, ये हमारा यहाँ तक होगा। सो आप लोगों ने इसकी डायग्राम बनानी है मदरबोर्ड की। ठीक है, क्लास 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मदरबोर्ड। ठीक है, मैं आपको इसकी वीडियो भेजूंगा, आपने थोड़ी सी स्केल में देखना है, बहुत मज़ेदार ये चैप्टर है, मुझे तो बहुत मज़ा आया इस चैप्टर पढ़ाने का, सो आप लोगों को भी आया होगा। और ये देखें मदरबोर्ड, आप लोगों ने लॉन्ग करना है, नीट एंड क्लीन करना है, राइटिंग के साथ।
सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ओके, और काम वगैरह करें, नीट एंड क्लीन करें, ठीक है। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।